वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आप आज डिफेंस डे है और मोमना पार्टिसिपेट कर रही है और आज मोमना की बर्थडे भी है। मोमना आज आप कितने साल की हो गई हो? कितने साल की हो? चार। अभी मैं आपको सारा दिखाती हूँ कि मोमना ने कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया, बाकी बच्चों की परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगी और फिर चलते हैं। डेल डेल इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे दिखाओ। डेल पढ़ो सुनाओ। ऐसे नहीं होता तो ही? बाकी सब मोमना के स्कूल में उसने पार्टिसिपेट किया है तो उसको चेयर अप करने के लिए यहाँ पे मोमना का फोटो शूट हो रहा है और आगे मैं आपको फंक्शन की डिटेल बताती रहूँगी। फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, लेट्स गो। ये वीडियो देखने के बाद आपको अपना बचपन याद आ जाएगा। वतन के इन गयूर जवानों ने अपने सीनों पर बारूद बांधकर 120 भारतीय टैंकों को दफन कर दिया और यूं लाहौर की सड़कों पर नाश्ता करके अपनी फौज से सलामी लेने के बाद लाहौर जिमखाना में जाम से जाम कतराने के लाल बहादुर शास्त्री के ख्वाब चकना चूर हो गए। 17 रोज तक जारी रहने वाली इस जंग की गर्द बैठी तो भारत अपने सैकड़ों टैंकों और दर्जनों जंगी जहाजों से महरूम हो चुका था। इसके 5,000 से ज्यादा फौजी वासिले जहन्नुम हो चुके थे और उसका गुरूर धूल झाड़ रहा था। हर तरफ पाक फौज की इस रुखरुई के परचम लहरा रहे थे। इस सुनहरी तारीख का एक एक लफ्ज जो हमारे शहीदों के लहू से बरसा है, यह अजीम दिन हमें शहीदों की कुर्बानियों, गाजियों की जुर्रत और अपने अजदाद की वफाओं की याद दिलाता है। इस मिट्टी का एक एक जर्रा उन शहीदों के खून के एक एक कतरे का मकरूज है जिन आजाद फिजाओं में आज हम सांस ले रहे हैं। इसके एक एक झोंके में उनके मुकद्दस लहू की खुशबू होती है। दुश्मन याद रख ले कि ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान का एक एक सपूत अपने मादर वतन से बे इंतहा, बे पाया और बेहद मोहब्बत करता है। जब अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह
यहाँ पे मोमना के परफॉर्मेंस का टाइम आ चुका है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मोमना ने कैसा परफॉर्म किया है। अपने शूज भी उतार चुकी है। मम्मा आप कैसा फील कर रही हो? अब हम चेंज करेंगे। ओके जी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाजमी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय।